हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये आज छठे नवरात्रा है और मैं नवरात्रा में सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ, क्योंकि मेरे को चाय मैं पीती नहीं हूँ पूजा से पहले। तो मैं जल्दी जल्दी पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। तो इसलिए मैं फूल माले वाले को लगा रखी हूँ, वो आता है 4 बजे सुबह में ही, और गेट पर फूल माला टांग करके वो चला जाता है। और थोड़ा सा फूल मैंने अपने गार्डन में से तोड़ के लाई हूँ, वो अपराजिता का है, हार श्रृंगार का है, वो सब फूल मैं तोड़ करके लाई हूँ। और अब मैं पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद मैं किचन में आऊँगी। तो नवरात्रि तक तो मैं 4 बजे सुबह में उठूँगी पूजा करने के लिए। और ये देखिए, मैं 5 किलो का आटा मंगाई हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में जो आटा है वो तो लहसुन प्याज का हो रखा है, इसलिए मैं अलग से 5 किलो आटा मंगवाई हूँ। और ये मेरा डोडा पनीर है, अब मैं इसको पहले पीऊँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, और चाय पी करके फिर मैं काम अपना शुरू करूँगी। तो और इधर भूषण भी आ गया है, अपना काम कर रहा है, और चाय उसको भी देना होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पहले चाय बना करके उसको भी दे देंगे और मैं भी पीऊँगी। और मैं अपने ससुर को भी सुबह 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 वो भी चाय पीते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो अब मेरी चाय बनने वाली है, और और ये मैंने खाने में आज बना रही हूँ घिया का, वो दल कदुआ बोलते हैं, वो बना रही हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है और ये स्वादिष्ट भी बनता है, इसलिए मैं आज यही बनवाई। आज सारे को घर में सबका फरमाइश यही था, यही दल कदुआ ही बनाओ, यही अच्छा लगता है बिना लहसुन प्याज को। और उधर मैं खाना चढ़ा करके, और ये मैं अपना डॉगी को अब नाश्ता करा रही हूँ, क्योंकि इसका भी नखरा बहुत ज़्यादा है, इस नवरात्रि में इसको मनपसंद खाना नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नखरा करता है ये, तो इसको मुझे हाथ से ही खिलाना पड़ता है। तो वही दूध रोटी मैं गुड़ करके इसको खिला रही हूँ, इसको खिलाने के बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। इसका थोड़ा तबीयत भी ढीला पड़ा हुआ है, ये सर्दी है, इसके लिए इसको थोड़ा सा जुकाम भी हो गया है, नाक से इसका पानी जाता है। तो डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर बोला जो कोई घबराने वाली बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अब इसे मैं नाश्ता करा के और फिर मैं दूसरा काम में लग जाऊँगी। कभी कभी तो इस पर गुस्सा भी आता है, और मैं सोचती हूँ जो यही है जो मेरा मन लगा रहता है। और मैं आज बताऊँगी जो घर में केला के पौधा रखना शुभ है या अशुभ।
ये वास्तु के हिसाब से घर में केला के पौधा के साथ तुलसी रखना चाहिए तो शुभ होता है और बहुत अच्छा होता है। और केले के साथ में तुलसी रखने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में माता तुलसी का वास होता है। और ये मैं अब डस्टिंग करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गया है और नवरात्रों में मैं पूजा में लगी हुई हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम उधर ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसलिए आज 3-4 दिन हो गए हैं तो आज मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पूरे में भरा पड़ा है मेरी बेटी का सर्टिफिकेट, वो जिस बैंक में जाती है वो बदलती है तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट इसको ज़रूर मिलता है। और 3-4 तो अंदर अलमारी में पड़ा हुआ है, यहाँ पे जगह ही नहीं है इसलिए ये 3 रखी हुई है। 3 जो पहले से पड़ा हुआ था वही यहाँ रखा हुआ है। अब उसी सबको साफ करती हूँ, सब पे धूल जम गया है तो अच्छा नहीं लगता है किसी चीज़ पे धूल जम जाए, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये जब साफ़ हो जाएगा तो फिर मेरा झाड़ू पोछा बर्तन, वो 2 घंटे लगेंगे उसमें भी, तो मैं फटाफट करके उसके बाद मैं जाऊंगी आराम करने के लिए। और मैं थोड़ा सोच रही हूँ जो नवरात्रों में थोड़ा भगवान से भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, उनके दरवाजे पे मत्था टेकना बहुत शुभ होता है, वो भी नवरात्रों में, चाहे कोई भी त्यौहार हो उसमें जाना चाहिए भगवान के घर मत्था टेकने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ, अभी बेटा का तो छुट्टी है नहीं, वो आता है 11:30 बजे, फिर थका हुआ आता है सो जाता है, तो मैं उसका शनिवार को छुट्टी होगा तो मैं जाऊंगी और रामलीला देखने के लिए, ये द्वारका में जो है वहाँ पर मैं जाऊंगी रामलीला देखने के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरे को कार्ड आया है, इनवाइट किया गया है जो आने के लिए, तो मैं वहाँ जाऊंगी शनिवार को रामलीला देखने के लिए। और ये सारा मेरा अब डस्टिंग होने वाला ही है। तो मेरा अब ये डस्टिंग हो गया है। मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आप लोग भूल जाते हैं कमेंट करना।